अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मैके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 बरस की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, वह घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। दूध ढककर मिसरानी को सामान देने गई और दूध नदारद। बहू का खाना पीना दुश्वार हो गया। उसके कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध मलाई चूहे तथा बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन कबरी ने उधर निगाह तक न डाली। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता बादाम मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में कबरी आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा चुकी है या नहीं यह देखा। पान लगाकर रामू की बहू जैसे ही सास जी को पान देने गई, कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर गिरा। आवाज रामू की बहू के कानों में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और कबरी डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहली पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहली पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गईं। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति इन सब की बातें सुनती रही। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए
तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। सास की जान में जान आई, अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार होने लगी। रामू की बहू बेचारी सिर झुकाए गुमसुम बैठी रही। पंडित परम सुख को जिस समय यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली है, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस सूची में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख जी पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसीलिए तो आपको बुलवाया है, अब आगे बतलाइए कि क्या किया जाए। किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवा कर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और फिर पाठ हो जाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली तो बनवा कर दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोले सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम नहीं निकलेगा। पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपए का लोभ बहू से बढ़ गया, बहू के से बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आ गई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे, दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, 1 मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और 1 मन भर नमक भी लगेगा, बस इतने से काम चल जाएगा।
अरे बाप रे, इतना सामान, पंडित जी इसमें तो बहुत रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा, फिर इतने से कम में काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, अरे इतना रुपया तो आप लोगों के हाथ का महल है। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नो की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परम सुख जी मुस्करा रहे थे, उन्होंने कहा, रामू की माँ एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, और दूसरी ओर तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पतरा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो मत। मिसरानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े, और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ की दक्षिणा, और 21 दिनों तक दोनों बखत पांच पांच ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परम सुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से पांच ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया, अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लूं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो, और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हांफती हुई कमरे में घुस आई। सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री। मेहरी ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, बाजी बिल्ली तो उठकर भाग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।